नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया के तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। नए साल के पहले ही दिन किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी कर दी है, जिसका लाभ किसान 31 दिसंबर 2022 तक उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद भी कर रहे थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रधानमंत्री मोदी का इस योजना में धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त में देंगे और इसके साथ ही किसानों की पूरी सिंचाई मुफ्त होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहला वादा है जो पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल होगा और यूपी के लोग जानते हैं कि सपा अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करती है। नए साल के मौके पर अपने आवास पर बधाई देने आई बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, रामपुर का चाकू कभी रक्षा के काम आता था। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों और गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था, जिसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को जमीन का टुकड़ा मिला था उन्हें इसका अधिकार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 2.75 लाख छात्रों को निशुल्क टैबलेट योजना की आज जीजीआईसी रायपुर रोड में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शुरुआत कर दी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों में ये कार्यक्रम टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड स्थित जीजीआईसी में टैबलेट वितरित मैदान मेयर गजेंद्र पाल सिंह रौतेला ने इस योजना की शुरुआत की। महानिदेशक के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा के करीब 1,60,000 छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं इससे अपनी मनपसंद के टैबलेट खरीद सकेंगे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सांकेतिक रूप से ये टैबलेट दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रीराम तीर्थ में माथा टेक कर 4 नए वायदे किए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब में उनके सरकार बनने पर एससी समाज के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो और उनके इस सपने को साकार किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि जो सीवरेज मैन सीवर में घुसकर साफ सफाई कर रहे हैं उन्हें नई मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वो सीवर में ना घुसकर बिना घुसे काम कर सके।
देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्थायी अस्पताल बनाने की प्रक्रिया शुरू करने और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए स्पेशल टीम गठित करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को शनिवार को एक पत्र में लिखा कि कोरोना केस बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य ढांचे को अपग्रेड करने की जरूरत है। साथ ही सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिला स्तर पर या स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम सही तरीके से काम कर रहे हों। दिल्ली में कोरोना ने अपनी रफ्तार बहुत तेज कर ली है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2716 नए मामले सामने आए हैं। इसी हफ्ते के अंदर दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कई गुना बढ़ गया है। अब दिल्ली की सकारात्मकता दर 3.64 पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि कल दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 2.44 था। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली में 1313 केस सामने आए थे, जो मई 2021 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस थे। दिल्ली में गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को 483 ज्यादा केस सामने आए और शनिवार को दिल्ली में 2716 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए साल के पहले दिन श्री वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। देर रात ये दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लोग दो अलग अलग रूप एंट्री को लेकर आपस में उलझ गए और यही भगदड़ की वजह बनी। जानकारी के मुताबिक कुछ श्रद्धालु बीच लाइन में दोबारा घुसना चाहते थे, तभी यह बवाल हुआ। दूसरी तरफ इस हादसे के चश्मदीदों का कहना है कि नए साल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। निकलने तक का कोई रास्ता नहीं था, कहीं हड़बड़ी में इधर उधर भागने लगे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। हादसे में 16 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें कटरा के अस्पताल में ले जाया गया और कुछ घायल जो हैं वो अभी भी गंभीर हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि शुरुआती खबरों के अनुसार श्रद्धालुओं के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था, उनमें धक्का मुक्की हो गई थी, इसमें भगदड़ मच गई है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। एक श्रद्धालु ने बताया कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हादसे पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 12 लोग मारे गए हैं और 16 घायल हो गए हैं। 9 घायल तीर्थयात्रियों को छुट्टी दे दी गई है, अन्य का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जांच पूरी होने के बाद तथ्य सामने आएंगे और जांच से पता चलेगा कि जो घटना घटित हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं माता वैष्णो देवी में हुए दर्दनाक हादसे पर तमाम राजनीतिक दलों ने संवेदना व्यक्त की है, लेकिन साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में खामी और लापरवाही का मुद्दा उठाया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि बीती रात माँ वैष्णो देवी मंदिर के गेट नंबर 3 पर हादसा हुआ और कुछ श्रद्धालुओं में बहस हुई। धक्का मुक्की के दौरान ढलान होने की वजह से भक्त लुढ़क गए थे। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है, जबकि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है।
भिवानी के डाडा में पहाड़ दरकने से हुए हादसे को लेकर कांग्रेस और की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी ने जांच की मांग उठाई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि घायलों का अच्छी तरह से इलाज कराया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। कोबरा कमांडो 2008 में कमांडो रहे लेहरा गागा का एक युवक हाल ही में तेलंगाना के सुकुमा में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। यह खबर सुनते ही लहरी गागा में शोक की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद से शहीद के परिवार में मातम छा गया है। शहीद कमांडो जवान वरिंद्र सिंह के पिता सागर सिंह ने कहा कि उनके बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के संघर्ष में भाईचारा मजबूत हुआ है। वहीं राजौवाल के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव लड़ना एक मौलिक अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और संयुक्त मोर्चे का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। दो हजार बाईस के विधानसभा चुनावों के लिए अकाली बसपा गठबंधन की ओर से मैदान में उतारे गए उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह संथू ने रायकोट दाना मंडी थाना स्थित पार्टी कार्यालय में पहली चुनावी सभा की। इस दौरान चुनावी सभा ने रैली का रूप ले लिया। बलविंदर सिंह संथू ने कहा कि अकाली बसपा गठबंधन अपने ऊपर रखे विश्वास को कायम रखेगा और रायकोट सीट जीतेगा। सीतापुर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर की ओर से 8 करोड़ की 58 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए अब जनता से अपील की। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुक करते हैं देश दुनिया के तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। हरियाणा के यमुनानगर के जोगादरी में फिल्म शोले के वीरू की तरह एक अध्यापक पानी के टंकी पर चढ़ गया। जोगादरी के सिविल अस्पताल के पास बनी टंकी पर अध्यापक ने चढ़कर गेस्ट टीचरों की मांगे पूरी करने की बात कही। कुरुक्षेत्र के लाटवा का रहने वाला राजकुमार कालीरमन अतिथि अध्यापक है, जो मांगों पर सुनवाई न होने से आहत है, इसलिए वो पानी की टंकी पर चढ़ा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की धौलाना विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धौलाना विधायक असलम चौधरी के नेतृत्व में समाजवादी जनसंदेश यात्रा निकाली और इस दौरान सपा जनों ने जगह जगह इस यात्रा का स्वागत किया। मथुरा के वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में नए साल के अवसर पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस के धज्जियां उड़ती नजर आई। नववर्ष के अवसर पर उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़ के सामने प्रशासन व्यवस्था बोनी नजर आई। मुरादाबाद में देर रात तक चली 31 दिसंबर की पार्टी में बीजेपी के कुछ नेता आपस में भिड़ गए, जिसकी सूचना पर थाना बसखोला पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला और बढ़ गया और दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हुए। मामला बढ़ने के बाद विधायक रितेश गुप्ता ने भी थाने पहुंचे और पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में शुक्रवार शाम फायरिंग में दो लोग घायल हुए थे, जिसका पुलिस ने खुलासा महज 16 घंटे में कर दिया है। पुलिस ने गोली चलाने वाले और उसके एक साथी को एक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया।
गुरदासपुर पुलिस ने नए साल पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के आरोप में सीमावर्ती कस्बा कलानौर के रुडियाना मोड़ से तीन युवकों को अवैध गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया। बोर देसी कट्टे की दो मैगजीन और 26 जिंदा टैप बरामद की है। पटियाला के थाना त्रिपड़ी पुलिस में प्रेस वार्ता कर बताया कि दो केसों में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। एक तो नशे का कारोबार करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, और दूसरे केस में जो कि स्नेचिंग का था उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक बाइक और एक मोबाइल रिकवर किया गया। गांव शिमली भंबेवा रोड पर कार में शव मिलने की मामले की गुत्थी को रोहतक पुलिस ने सुलझा लिया है। सुनील के ब्लाइंड मर्डर केस को हल करते हुए वारदात के शामिल रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर भी लिया गया है। मामले की जांच गहनता से की जा रही है। बस्ती में अवैध गांजे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन गांजे के साथ पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है। आज साल 2022 के पहले ही दिन बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सोहना थाना की पुलिस को एंटी नारकोटिक्स टीम ने शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। साल के पहले दिन सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने पेट्रोल डीजल के नए रेट में फिलहाल कोई कटौती नहीं की है। फिलहाल फ्यूल प्राइस में अभी भी बदलाव नहीं किया गया, और नए रेट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल का भाव 95.41 रुपए और डीजल 86.67 रुपए है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार नए प्लान पर काम कर रही है। भारत कच्चे तेल की कीमत में कमी लाने के लिए अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बैठाकर अपने रणनीतिक तेल भंडार से तेल की निकासी की योजना पर काम कर रहा है। नए साल के पहले दिन सोने की कीमतों में तेजी आई, जिसके बाद 24 कैरेट सोने का कारोबार 49,020 रुपए और 22 कैरेट सोने का भाव 47,020 रुपए पर हुआ है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत में भी तेजी आई है, जिसके बाद इसका दाम 62,700 रुपए हो गया है। बात करें दिल्ली की, तो यहां प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 350 रुपए बढ़कर 47,600 रुपए और 24 कैरेट सोने का भाव 410 रुपए बढ़कर 51,930 रुपए पर रहा। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के चार्मिंग यंग स्टार्स में से एक हैं। कार्तिक को उनके मजाकिया अंदाज और बढ़िया एक्टिंग टैलेंट के लिए जाना जाता है। साथ ही कार्तिक आर्यन का सिंपल जीवन जीने का तरीका भी फैंस काफी पसंद है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप कार्तिक आर्यन को ऑटो रिक्शा की सवारी करते देख सकते हैं। कार्तिक आर्यन इन दिनों दिल्ली में हैं। यहां वो अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा की शूटिंग कर रहे हैं। कार्तिक के साथ इस फिल्म में कृति सनन नजर आने वाली है। वैसे कार्तिक अपने बिजी शेड्यूल के बीच भी फैंस से रूबरू होने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने कार्तिक आर्यन का ये वीडियो शेयर किया है।
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के चलते मोनालिसा चर्चा में रहती है। मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने पति विक्रांत सिंह के साथ डांस करते नजर आ रही है। वीडियो में मोनालिसा अक्षय कुमार और कैटरीना की सुपरहिट फिल्म वेलकम के ऊंचा लंबा कद गाने पर डांस कर रही हैं। उन्होंने ब्लू कलर का क्रॉप टॉप और हॉट शॉर्ट पैंट पहन रखा है और उनके पति ने भी उनके साथ मैचिंग ब्लू शर्ट पहनी है। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा के पति विक्रांत ट्रेनिंग में डांस कर रहे हैं। एसएस राजा मौली की फिल्म बाहुबली 2022 में 7 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। पहले से डिले चल रही राजा मौली की ये फिल्म अब तक एक बार फिर से पोस्टपोन कर दी गई है। शाहिद कपूर की जर्सी के बाद कोविड की वजह से पोस्टपोन होने वाली आरआरआर दूसरी फिल्म है। आरआरआर के मेकर्स की तरफ से बयान जारी किया गया है। इसमें लिखा कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हम बस में नहीं कर पाते हैं क्योंकि देश में कई थिएटर्स बंद हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई चांस नहीं बचा है। यही कर सकते हैं कि आप अपनी एक्साइटमेंट को होल्ड पर रखें। हमने भारतीय सिनेमा के गौरव को वापस लाने का वादा किया था और सही समय पर हम करेंगे। नया साल मनाने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अक्सर अपने पास एक प्लान तैयार रखते हैं जिसे वो काफी लंबे समय पहले ही बता देते हैं। अक्षय कुमार ने भी एक प्लान नए साल पर मनाने के लिए मालदीव पहुंचे हैं और अक्षय कुमार ने एक वीडियो शेयर करते हुए दिखाया है कि कैसे उन्होंने गायत्री मंत्र से नए साल का स्वागत किया। अभिनेता फिलहाल बेटे नेताया और पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ मालदीव में हैं। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नया साल वही मैं उठे और अपने पुराने दोस्त सूरज को बधाई दी और अपने 2022 की शुरुआत कोविड को छोड़कर सभी सकारात्मक चीजों के साथ की। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए कामना करता हूँ। नववर्ष की शुभकामनाएं। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली और बेटी वामिका के साथ दक्षिण अफ्रीका में नए साल का जश्न मना रही है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नए साल का जश्न मनाते हुए वीडियो शेयर किया। दरअसल क्रिकेटर विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के साथ टेस्ट मैच दौरे पर हैं। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वामिका अनुष्का को ममा कह रही हैं। इस वीडियो में वामिका नजर नहीं आ रही है लेकिन उन्हें कैमरे पर बार बार ममा कहते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में पार्कों का नजारा दिख रहा है। इस वीडियो को अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 2021 की आखिरी शाम बिताने का सबसे अच्छा तरीका। इसके साथ एक्ट्रेस ने दिलवाला इमोजी भी शेयर किया। सलमान खान आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उनसे जुड़ी एक खबर उनके जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले ही सामने आई थी। दरअसल उन्हें उनके फार्म हाउस के पास एक सांप ने काट लिया था। अब नए साल पर एक दिन शाम पहले उन्होंने अपने करीबियों के साथ जमकर जश्न मनाया है। सलमान खान ने नए साल के एक दिन पहले शाम को अपने दोस्तों के साथ पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर सेलिब्रेट किया। अभिनेता राजनेता बीना काक ने पार्टी से तस्वीरें साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। फिलहाल के लिए एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।